गीत गुनगुनाते हैं लोग, उसकी आदरता भाप नहीं पाते। बस वो दिन नहीं आएंगे, पर हाँ संगीत वही पाएंगे। ये जो लता जी आवाज सबके तन मन में समाई है, जिसकी मधुर संगीत सुनते ही सारे गम को हार जाते हैं, जो संस्कृति और सभ्यता की सुंदरता सी रीत है, आप होठ जिस हर युग में गाए ऐसे पावन गीत है, आप ऐसे स्वर कोकिला लता जी को सत सत प्रणाम। बैठक में खुशामदीद। बड़े सगीर पाको हिंद से ताल्लुक रखने वाला कोई शख्स ऐसा नहीं हो सकता जो मौसीकी के साथ मामूली सा भी शगफ रखता हो, लेकिन उसने सुरों की मलिका लता मंगेशकर का नाम ना सुन रखा हो। लता मंगेशकर के वालिद खुद एक म्यूजिशियन भी थे और सिंगर भी थे, और 5 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने गाना शुरू कर दिया था। लेकिन बाकायदा तौर पे कमर्शली फिल्म के लिए सबसे पहला गाना उनसे जिस म्यूजिक डायरेक्टर ने गवाया था, वो कौन थे? वो पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक मुसलमान म्यूजिक डायरेक्टर मास्टर गुलाम हैदर थे। ये वाकया बड़ा दिलचस्प है। किसी ने मास्टर गुलाम हैदर को ये बताया कि ये एक बच्ची है 17-18 बरस जिसकी उम्र है, बहुत अच्छा गाती है। उन्होंने कहीं कोरस में उसको देखा गाते हुए, उन्हें उसकी आवाज़ वाकई में अच्छी लगी, और उन्होंने एक दो जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे उनसे सिफारिश की कि इस बच्ची को गाने के लिए लिया जाए फिल्म में, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि इतनी धान पान सी है और इतनी इसकी आवाज़ बारीक है, ये उस जमाने में बड़ी डाउट जो सिंगिंग है उसका रिवाज था। शमशाद बेगम और नूरजहां टाइप जो आवाज़ें थी इनको बहुत पसंद किया जाता था। बहरहाल बम्बई टॉकीज ने 1948 में आई गेस अपनी एक फिल्म का जो कॉन्ट्रैक्ट था म्यूजिक का वो दे दिया मास्टर गुलाम हैदर साहब को, और फिल्म का नाम था मजबूर। तो मास्टर गुलाम हैदर ने रिहर्सल के लिए बुला लिया लता मंगेशकर को। अब जब बम्बई टॉकीज की जो इंतज़ामिया थी, जो उनके चेयरमैन थे, उनके डायरेक्टर्स थे, उन्हें जब पता चला कि ये मास्टर साहब क्या कर रहे हैं, इन्होंने एक छोटी सी बच्ची को बुला लिया है, जबकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये दोनों जो उनकी फेवरेट गुलूकाराएँ हैं, यानी मैडम नूरजहां मास्टर साहब की बहुत फेवरेट गुलूकारा थी और शमशाद बेगम की भी, तो ये उनमें से किसी को बुलाएंगे, उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो एक छोटी सी बच्ची को बुला लेंगे। तो मास्टर साहब को जब उन लोगों ने कहा कि नहीं, हमारी जो एक्ट्रेस हैं, जो हेरोइन हैं मुनव्वर सुल्ताना, उनके नाम के, उनकी आवाज़ के, उनके रोबो दबदबे पे अगर किसी गुलूकारा की आवाज़ सूट करेगी तो वो तो शमशाद बेगम या नूरजहां ही हो सकती हैं, हम नहीं चाहते कि आप इस नई लड़की को इस काम के लिए ट्राई कीजिए। अब मास्टर साहब थोड़ा सा गुस्से में आ गए, पाकिस्तान से स्पेशली गए हुए थे इस काम के लिए, तो वो थोड़ा सा गुस्से में आ गए, वो कुर्सी पे उठ खड़े हुए गुस्से से। उन्होंने कहा जी कि ये आवाज़ का मामला है तो ये तो मैं आपसे बेहतर जानता हूँ, आप लोगों ने मुझे नहीं बताना आवाज़ के बारे में, और अगर आपको लगता है कि आप म्यूज़िक के बारे में मुझसे बेहतर जानते हैं तो फिर आप कोई नया देख लीजिएगा म्यूज़िक डायरेक्टर। इतना कह के वो उठे और वहाँ से रवाना हो गए। ये जब वहाँ से वो जा रहे हैं ना, तो उनको मनाने की कोशिश की जो वहाँ के चेयरमैन थे बम्बई टॉकीज के वाचा साहब, उन्होंने भी, और जो अशोक कुमार थे वहाँ पे उन्होंने भी, लेकिन मास्टर साहब बड़े गुस्से में थे। तो उन्होंने ना इस मौके पे अपने असिस्टेंट को ये कहा कि इन्हें पैसे कल हम वापस कर देंगे, जो एडवांस इनसे हमने 10,000 रुपये का ले रखा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ एक वक्त आएगा जब ये लड़की शोले बिखेर रही होगी अपनी आवाज़ के साथ, ये जो मौसीकी की दुनिया है उसका सूरज बनेगी, तब इन लोगों को पता चलेगा कि मास्टर गुलाम हैदर जो बात कह रहा था वो गलत नहीं थी। बहुत बड़ी बात उन्होंने इस मौके पे की। बाहर क्या वो उस समय अपने घर चले गए, यानी जहां पे भी रह रहे थे। अब नेक्स्ट डे जब मास्टर साहब आते हैं, 10,000 रुपए का चेक उन्होंने पकड़ा हुआ, आते हैं और कहते हैं बॉम्बे टॉकीज को कि ये आपका एडवांस मैं वापस कर रहा हूँ। तो वो लोग भी एक दिन गौर कर चुके थे, मास्टर साहब भी थोड़े से ठंडे हो चुके थे, आपस में बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा मास्टर साहब जब आपने फैसला कर लिया है कि इस फिल्म के गाने मजबूर के लता मंगेशकर गाएगी तो वही गाएगी, हमें तो कोई एतराज नहीं है, जो आपकी चॉइस है हम तो उसके ऊपर बिल्कुल यकीन रखते हैं कि आपकी चॉइस बेस्ट होगी।
तो बहरहाल मास्टर साहब फिर ठंडे हो गए, दोबारा से उन्होंने उस सिलसिले में काम शुरू कर दिया और लता मंगेशकर को उन्होंने बुलवा लिया। जब लता मंगेशकर को पता चला कि ये मास्टर गुलाम हैदर साहब के साथ मुझे काम करना है, तो लोग कहते हैं कि शुरू में तो उसे बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी बेचारी बच्ची को गाने में, लेकिन मास्टर साहब ने उसको इतना अच्छे तरीके से हौसला अफजाई की कि वो रिहर्सल शुरू कर दी उसने। अच्छा, मास्टर गुलाम हैदर लाहौर से गए हुए थे बम्बई और बहुत मेहनती आदमी थे, लेकिन मुआवजा भी बहुत लेते थे। मतलब उस जमाने में जो कम अज़ कम मुआवजा वो बम्बई में लेते थे किसी एक फिल्म का म्यूज़िक देने का, वो उनका 75,000 रुपीज़ होता था, ये 1940s की बात है। और जो मैक्सिमम उन्होंने उस जमाने में लिया वो 1,00,000 रुपया एक फिल्म के म्यूज़िक का लिया। तो वो बहुत मेहनती आदमी थे इनफैक्ट, तो उन्होंने ना शुरू ही से पहली फिल्म से लता मंगेशकर को भी मेहनत का आदि बना दिया। यानी सवेरे 9 बजे रिहर्सल स्टार्ट होती थी और समटाइम्स रात के 3-3 बजे तक रिहर्सल होती रहती थी। वो अलग बात है कि जो साजिंदे थे या लता जी थी वो ज़्यादातर वक्त इंतज़ार करते रहते थे कि मास्टर साहब कोई हुक्म जारी करें। मास्टर साहब खुद सारा वक्त मसरूफ़ रहते थे, वो जब तक परफेक्शन नहीं ना आ जाती थी तब तक वो राज़ी नहीं होते थे इस चीज़ पे। तो लता मंगेशकर जी को उन्होंने बहुत इस सिलसिले में गाइड किया और वो मानती भी थी इस चीज़ को कि ये मेरे उस्ताद हैं, इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो फिर जनाबे वाला जब इस फिल्म का मजबूर का जो म्यूज़िक है वो रिलीज़ हो गया तो पूरे बरे सगीर में धूम मच गई लता मंगेशकर की। वो लड़की जिसका नाम कल तक कोई नहीं जानता था, आज वो एक बहुत बड़ी गुलुकारा ओवरनाइट जिसको कहा जाता है बन चुकी थी। तो इस फिल्म के बहुत सारे गाने मशहूर हुए, दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा तेरे प्यार ने, ये बहुत खूबसूरत गाना, और अब डरने की कोई बात नहीं, अंग्रेजी छोरा चला गया, इसमें मुकेश ने गाया था लता जी के साथ, और पिया मिलने को आ मैं तो जीती हूँ तेरे भरोसे, ये गाना भी बड़ा मशहूर हुआ। तो इन गानों को सुन के कोई भी ये नहीं कह सकता था कि ये किसी ऐसी 18-19 साल की लड़की ने पहली दफ़ा किसी कमर्शियल फिल्म के लिए गाया हुआ गाना है। इस पर बड़ी पुख्तगी नज़र आती है आवाज़ में, तो इसलिए कहा जा सकता है कि वो जौहरी जिसने लता मंगेशकर नाम का हीरा परखा था और तराशा था, उसका नाम मास्टर गुलाम हैदर था। और जाहिर है कि बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, तो लता जी खुद भी हमेशा इस बात का एतराफ़ किया करती थी कि मुझे मास्टर गुलाम हैदर साहब ने उस ज़माने में सेलेक्ट किया था फिल्म के लिए जब बाकी सारे लोग मुझे रिजेक्ट कर चुके थे, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मेरी खातिर उन्होंने अपना प्रोजेक्ट छोड़ने पे भी वो आमादा हो गए थे, झगड़ा मोल ले लिया था उन्होंने। बम्बई टॉकीज़ किए जैसे बड़े बैनर के साथ झगड़ा लेना उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। तो मास्टर साहब का ये कैरेक्टर था। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं लता जी के कैरेक्टर की, तो जो मास्टर गुलाम हैदर के बेटे हैं वो ये कहते हैं कि हम लता जी को दीदी कहा करते थे। मास्टर साहब उसके बाद जल्द ही 5-6 साल बाद फौत भी हो गए थे इस फिल्म के बाद, 1953-54 में मास्टर जी की डेथ हो गई थी। लेकिन लता जी ने अपनी पूरी जिंदगी मास्टर गुलाम हैदर की बेगम और उनके बच्चों के साथ निभाया, और वो उन्हें माँ जी कह के माता जी कह के बुलाया करती थी मास्टर साहब की बेगम को, और उनके बच्चों को अपने भाई कहा करती थी, उनके बच्चे उन्हें दीदी कहा करते थे, और उनके बच्चे ये कहते हैं कि दीदी ने सही मानों में दीदी बड़ी बहन होने का हक निभाया सारी ज़िंदगी जब तक वो रहीं। तो ये बड़े लोगों के बड़े करेक्टर्स हुआ करते हैं। यहाँ पर मैं आपको आखिर में एक थोड़ी सी अफसोस की बात भी बताता चलूँ कि मास्टर गुलाम हैदर जो अपने वक्त के इतने बड़े गुलूकार थे, मुश्किल वक्त उन पे आया 1953-54 में जब उनका इंतकाल हुआ, तो उनके पास कुछ ज़्यादा पैसे नहीं थे मेयो अस्पताल में जब वो इलाज करवा रहे थे। अगरचे लता जी ने तब भी उन्हें ऑफ़र की थी कि मैं आपको अपने साथ मुंबई लेके जाना चाहती हूँ, लेकिन वो नहीं गए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 1953-54 में एक आदमी दुनिया से चला जाता है और आप अनफॉर्चुनेटली उसके फ़न का एतराफ़, उसकी अजमत का एतराफ़ कब करते हैं, जब 2011 में पाकिस्तान में उन्हें तमगा इम्तियाज़ दिया जाता है, तो पहली दफ़ा ये एतराफ़ किया गया कि हाँ मास्टर गुलाम हैदर भी कोई बड़ा म्यूज़िशियन था। और उसके बाद फिर 2018 में पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने
मास्टर गुलाम हैदर साहब को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया। तो आज नाज़रीन हमने आपको बरे सगीर के एक बहुत बड़े म्यूजिशियन के बारे में, म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में कुछ दिलचस्प बात बताई, और बरे सगीर की शायद सबसे बड़ी जो गुलूकारा हैं, सिंगर हैं, उनके बारे में एक दिलचस्प बात बताई। उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा।